जिस महिला नेता से इंदिरा गांधी को थी ईर्ष्या, खूबसूरती जिसके आगे अच्छे अच्छे पांगी मांगे, ग्लैमरस गर्ल ऑफ पार्लियामेंट तारकेश्वरी सिन्हा, चमकदार चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, बालों में अंग्रेजी लोग और कपड़ों में करीने की संजीदगी। इसके साथ जब तारकेश्वरी सिन्हा जब पार्लियामेंट में चलती थी तो सांसद क्या मंत्री तक दीवाने हो जाते थे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी आवाज़ की तुलना शहद से की थी। इंदिरा तारकेश्वरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि वो फिरोज गांधी के बेहद करीब हैं, क्योंकि जब इंदिरा राजनीति को सीख समझ रही थी तब तारकेश्वरी पंडित जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में मंत्री थी। इंदिरा के इस शक की तस्दीक बाद में कई लोगों ने कई तरह से की। इंदिरा पर जीवनी लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा में लिखा, किसी जमाने में फिरोज गांधी का अफेयर खुलेआम तारकेश्वरी से चला था। इंदिरा ने कभी इसे पसंद नहीं किया, यही वजह थी कि जितना नापसंद एक जमाने में उन्हें तारकेश्वरी को किया उतना शायद ही किसी महिला को किया हो। जिस महिला से इंदिरा गांधी को रश्क हो उसकी हैसियत और खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तारकेश्वरी सिन्हा को 1947 तक बिहार कांग्रेस के सभी सीनियर नेता समझ चुके थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में उन्हें पटना से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा। महज 26 साल की उम्र में तारकेश्वरी सिन्हा सांसद बन चुकी थी। तब उन्हें बेबी ऑफ हाउस, ग्लैमर गर्ल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और ब्यूटी विद ब्रेन कहा गया। तारकेश्वरी सिन्हा का जन्म नालंदा जिले के एक भूमिहार परिवार में हुआ था। तुलसीगढ़ उनका पुश्तैनी गांव है जो चांदी के पास पड़ता है। उन्होंने पटना के बांकीपुरा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एमएससी की पढ़ाई की। तारकेश्वरी के पिता पेशे से डॉक्टर नंदन प्रसाद सिन्हा पटना में ही सर्जन थे। उनके कोई दूसरा बच्चा नहीं था। पढ़ाई के दौरान ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो गया। 19-20 साल की उम्र में देखते देखते बिहार की बड़ी छात्र नेता के तौर पर पहचान बना ली। 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खूबसूरती के साथ साथ तारकेश्वरी में ज़बरदस्त अग्रेशन देखने को मिला। आज़ादी के बाद 1952 में हुए पहले चुनाव में महज 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बनी तारकेश्वरी। इसके बाद 1957, 62 और 67 में बाढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा पहुंची। 1958-64 तक जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय कैबिनेट में पहली महिला उप वित्त मंत्री थी। वो मोरारजी देसाई के करीब थी। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जब प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई तो वो मोरारजी देसाई के साथ खड़ी थी। बाद में वो मोरारजी के पक्ष में कांग्रेस से अलग हो गई, फिर कांग्रेस में लौटी और 1971 के लोकसभा चुनाव में बिहार के बाढ़ से चुनाव हार गई। ये उनकी पहली हार थी। इसके बाद तारकेश्वरी कोई चुनाव नहीं जीती। आखिरी चुनाव उन्होंने समस्तीपुर से लड़ा, उसमें भी हार मिली। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।